तो आयरलैंड में स्टडी वीजे में आके पैसे आपके कितने बनते हैं, यूरो आपके कितने बनते हैं, साथ में यहाँ पे आने के बाद वर्क परमिट 20 से 25 घंटे जो स्टूडेंट को अलाउड होता है लीगली आप काम करते हो आयरलैंड में, तो आप क्या बनते हैं भैया? अगर वो आती है ना किसी को तो भाई 40-50 जितना मर्जी पैकेज ले लो। मैंने सुना भी ना 1 लाख तक आपकी सैलरी चढ़ जाती है। तो जैसे भी ना दलवीत बता रहा था कि यहाँ पे आयरलैंड में जब आप स्टूडेंट वीजे पे आते हो ना, अच्छा चल कोई नहीं, इसने भी खा लिया ना बेटा, डाल ले अपने टिफिन में, दूसरे देना पड़ेगा भाई ना, क्या है कि भाई अपना टिफिन बंद लग रहा है राइन अपने स्कूल वास्ता। हाँ बेटा चार याद है इसके भी मैंने, भाई कितने बिस्किट लेगा जाने हैं। ओके ना बैग में रख दे, ठीक है। तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग, दिस इज सचिन और छोटा सचिन भाई ना, ये अपना बेटी फन टिफिन पैक कर रहा है अपने स्कूल वास्ते। तो प्लान ये है कि भाई रायन ना स्कूल में उतारना, साथ में हमने कर लेना भाई अभी ब्रेकफास्ट, जो आज की वीडियो होने वाली है भाई स्टूडेंट्स के बारे में, और साथ में भाई ना वर्क परमिट वगैरह जो आते हैं आयरलैंड में, डबलिन में या फिर किसी भी काउंटी में आ रहे हैं आयरलैंड की, कितने पीसे बनते हैं भैया, कितने पैसे बना लेते हो आप, सब कुछ भाई ना आपको बताने वाला है इस वीडियो में। इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल पे नए आए तो भाई सब्सक्राइब और लाइक बोल दो बेटा। दलवीत का बेटा और वो आएगा भी नीचे, तो उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उसने स्टडी का भाई 1 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया आयरलैंड में, कितने पीसे बन जाते हैं और कितना खर्चा हो जाता है। खर्चे का तो भाई ना मैं ट्राई करूंगा कि प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि आपको नई जो वीडियो आती है आयरलैंड के बारे में एकदम मिल जाए। बात तो सही है। अपने बननी लग रही है अपना कॉफी, तो कॉफी पी के निकलते अपने सीधा गाड़ी की तरह। और साथ हाँ बेटा जल्दी बना बेटा, तो रायन ने भी अपना ब्रेकफास्ट बनाया, साथ में कॉफी, कॉफी जरूरी है जिम जाने से पहले, थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे शरीर में। साथ में जो मैंने बताया भी ना कितनी इनकम आप आयरलैंड में बना लेते हो, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले। अगर आपका डिसीजन जैसे यूरोप में या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहीं पे भी आपको पता है, तो यूरोप में आयरलैंड के बारे में आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर अंदाजा हो जाएगा, अंदाजा प्रॉपर आपको पता लग जाएगा कितने पीसे आपके यहाँ पे बनते हैं, यूरो कितने बनते हैं, स्टूडेंट कितने बना लेते हैं, और जर्नल वर्क परमिट पे जो आ रहा है फायदा है या नहीं है, जो मेरी रिकमेंडेशन मेरी क्या भाई ने जो प्रॉपर मैं आपको एक आइडिया बता दूंगा इस कंट्री के बारे में बेटा। ओ थैंक्स मैन, थैंक यू रायन। हाँ यस ओके बेटा, तुमने किसी ढाबे ढूबे बुलवाऊंगा, बढ़िया बना हुआ चाय तो। हाँ कोई नहीं, इंडिया जाएंगे ना तेरी बात कर करूंगा, वहां भी बड़ी ना बढ़िया इनकम बन जा, अगर बंदे का काम धंधा सही चल रहे हो। निकल लो भाई, दलवीत भी अपने जिम जाएगा बेटा, तो आधा घंटा एक दरवाजा खुल गया भाई ना फाइनली। तो भाई बाहर ठंडी ठंडी सी हवा चल रही और अपना बर्फ आज इतनी नहीं है पड़ी हुई, देख रहे हो ना भाई व्हाइट व्हाइट सा ना, लास्ट कल के दिन तो बहुत ज्यादा है, रात ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी भाई ना 2-3 दिन से। अगर आप आ रहे हो ना इस टाइम खास करना, तो भाई अपना ध्यान रखो अपनी सेहत का, चल रहा है जल्दी कर लो बेटा, चल बैठ जा। लो भाई रायन का स्कूल आ गया बेटा, इधर रह गाड़ी आ रही, चल बेटा चलो 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 चलो, बाय रायन। रायन तार दिया स्कूल में, ये अभी पीछे रायन का स्कूल। और साथ में जो मैं आपको बता दूं ना आयरलैंड में भाई, जब यहाँ पे आप आते हो ना, यहाँ पे आप 4 तरीके से आ सकते हो। नंबर 1 होता है भाई ना अगर आप आ रहे हो स्टडी वीजे पे, और दूसरा हो जाता है भाई ना जनरल वर्क परमिट जब आपका लगता है, तीसरा होता है भाई क्रिटिकल स्किल्ड वीजा आपका लगता है, और चौथा होता है टूरिस्ट वीजा, यानी कि भाई 4 तरीके के वीजे हो गए। टूरिस्ट वीजे पे काम कर सका बंदा? No. ना भाई ना, देखो कई बंदे पूछते हैं कि टूरिस्ट वीजा पे सचिन यहाँ पे आके मैं अपना स्टडी वीजा कन्वर्ट करा लूं, करवा लूंगा या फिर वर्क कन्वर्ट करवा लूंगा, तो भाई ऐसा तो ऐसा। अगर होगा अभी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें काफी चक्कर काटने पड़ेंगे इमिग्रेशन के। ठीक है समरिया, अदर कैटेगरी है अभी स्टडी वीजे पे, तो सारों की आपको इनकम बताएंगे, आपको आइडिया उठ जाएगा अभी यहाँ पे आयरलैंड में आपके कितने बन जाते हैं अगर आप इन कैटेगरीज में आ रहे हो, कितनी इनकम कितने पीसे बन जाते हैं भाई ना, कितना आप भेज सकते हो, कितने आप सेविंग कर लेते हो, और रेकमेंडेड है आयरलैंड या नहीं, आपको एक आइडिया हो जाएगा अगर आप दूसरी कंट्रीज में जाने के बारे में सोच रहे हो। तो आयरलैंड में जब स्टडी वीजा आपका लगता है, तो मैंने काफी वीडियोस बनाई है जिसमें खर्चा एक्सपेंस वगैरह सब कुछ तुम्हें बताया, अभी कितना आपका एक्सपेंस आ जाता है फिर भी बता दे भाई ना, अराउंड 13-14 इंडियन लाख इतने भाई आपके लग जाते हैं आयरलैंड में आने के लिए। तो पार्ट टाइम जॉब आपको करनी पड़ती है अभी 20 घंटे मतलब 20 आवर्स वीक में काम कर रहे हो, तो आपको 12 यूरो 70 सेंट 1 घंटे के मिलते हैं, जो कि अराउंड आपका बन जाता है भाई 250 यूरो लगा के चलो, आपका वीक का इतना बन जाता है, 1000 यूरो आपका मंथ में बन रहा है।
तो 1000 में से लगा लो भी ना 700-800 के करीब आपका रेंट जा रहा है, आपके दूसरे एक्सपेंसेस होने, ट्रांसपोर्ट, फोन, और बाहर भी जाते हो भी ना कभी कभी, खाना खा लेते हो, सब कुछ लगा के ना आपका मंथ की आपको सैलरी बताइए 1000 यूरो के करीब आपके बन जाते हैं, जो आप लीगली काम कर रहे हो ना 20 घंटे काम करके, 20 से 25 घंटे जो स्टूडेंट को अलाउड होता है लीगली आप काम करते हो आयरलैंड में, तो आपके बनते हैं भाई यहाँ पे 1000 यूरो, जिसमें से आपका भी 700-800 एटलीस्ट आपका भाई यहाँ पे एक्सपेंस हो जाता है, यानी 800 यानी कि जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड कर दिया भाई, हमने 200 यूरो 300 आप पर मंथ बचा लेते हो अगर आप लीगली काम करो, 300 यूरो आप लगा के चलो, और जिसमें आप स्टडी भी कर पा रहे हो अपने सब कुछ अपना इंक्लूड करके, जिसमें आपके मंथ के लगा साल के लगा लो 4000-5000 यूरो इतने बच जाते हैं, यानी कि सब कुछ आपका एक्सपेंस कवर करने के बाद, जो कि इंडिया के बन जाते हैं भाई ना 4-5 लाख के करीब आप भाई बचा लेते हो साल में, जिसमें आपकी स्टडी भी हो गई है, जिसमें आपका भी पार्ट टाइम काम करो, लीगली आप काम करो। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं भाई, यहाँ पे सब बंदे 20 घंटे ही काम नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे फुल टाइम मतलब कि सेटिंग करके रखते हैं बंदे की, हाँ। अभी एक्स्ट्रा काम करते हैं जैसे कि 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे जो कि अलाउड नहीं है, हाँ। बट यार देखो अगर आप यहाँ पे आते हो ना सब कुछ सेटिंग हो जाती है, ये तो एक इमिग्रेशन के दायरे के अंदर रह के 20 घंटे काम आपको करना पड़ता है, लीगल है वो सिर्फ 20 से 25 घंटे है, और इलीगल तो आपको पता ही है यार, देसी बंदे हम कर लेते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़ो के, या फिर सेटिंग करके 10 घंटे एक्स्ट्रा कर ले 15 घंटे, यार इमिग्रेशन वाले को भी पता होता है कि 20 घंटे भाई कहाँ खर्चा निकलता है बंदे का ना, तो थोड़ा बहुत चल जाता है भाई ना, तो मतलब कि आपको बेनिफिट हो जाता है भाई, साल में लगा लो 5-6 हजार यूरो एटलीस्ट आपको बच जाते हैं अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हो, साथ में एक्स्ट्रा अगर आप काम कर रहे हो तो वही डबल हो जाती है भाई आपकी इनकम, साथ में इसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे भाई जर्नल कैटेगरी यानी कि जर्नल वर्क परमिट जब आपका इंडिया से लगता है, और अभी मैं हो रहा लेट जिम वास्ते, चला फिर नहीं चलो बाद में भाई एक्सप्लेन करेंगे, नहीं दलवी गाड़ी में तो निकल का भागने वाला हो रहा है भाई, मैंने तो जिम बता दे या फिर तो अपना एक्सप्लेन कर, ये अपनी जिम की पार्किंग अंडरग्राउंड और अपनी पार्किंग वीआईपी वाली भाई ना बिल्कुल सीधे जाएगा बाजार ठा करके, लो भाई निकला अपना जिम वास्ते और उसके बाद ना आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे भाई, जो कि भाई जर्नल वर्क परमिट आयरलैंड का, और साथ में भाई ना क्रिटिकल आपको आना चाहिए जर्नल वर्क परमिट पे, या फिर क्या मैं रेकमेंड करूंगा आपको ना भाई, ये है भाई अपनी जिम जो कि फर्स्ट फ्लोर है यानी कि एक फ्लोर है अपना, और यहाँ पे भाई अपना करते हैं साइकिलिंग वगैरह, तो जैसे भी ना दलवित बता रहा था कि यहाँ पे आयरलैंड में भाई जब आप स्टूडेंट वीजे पे आते हो ना सिक्योरिटी की जॉब पे अगर आप रजिस्टर्ड हो अच्छी कंपनी में रजिस्टर्ड हो तो आपको अच्छी पे मिल जाती है 13-14 और लाइक अराउंड 16 भाई, नहीं यहाँ पे जो सिक्योरिटी की जॉब मिलती है ना उसमें है कि भाई एक तो रिटेल मार्केट में आपको मिलती है जो आपको लाइसेंस ही होता है, एक होता भाई ना कॉरपोरेट यानी कि ना जो लाइसेंस मिलता है आपको सिक्योरिटी वो देखो रिटेल की जॉब भी क्या होता है कि ना सिक्योरिटी की मिलती है आपको, उसमें थोड़ा सा रिस्की हो जाता है काम नहीं, किसी बाहर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस, किसी की दुकान के बाहर आप खड़े हो भाई ना वहाँ पे जंकी जुंकी भाई ना गोरे आ रहे हैं चोरी चारी करके जा रहे हो आपको रोकना पड़ता है, ये थोड़ी सी रिस्की है, और जिसमें आपको मिलता है भाई ना 13 यूरो एटलीस्ट आपको मिलता है भाई ना मिनिमम से थोड़ा ज्यादा मिलता है, एक भाई मिले था जो कि आए थे भाई स्टडी वीजे पे लास्ट ईयर, कब आए थे भाई आप? इंडिया में, और फिर यहाँ आया तो मेरे को जैसे मेरी पढ़ाई कम्प्लीट हुई स्टूडेंट में जॉब भी लग गई एज अ सीनियर फंड अकाउंटेंट में जॉब मिल रहा हूँ यहाँ पे, तो इंडिया से आपने बैचलर करके आया मास्टर्स करके आया? मैं बैचलर्स करके आया हूँ, बैचलर्स करके यहाँ पे आके अपने मास्टर्स, हाँ यहाँ पे मास्टर्स, तो जब मैंने भाई को देखा ना भाई ने राम राम करी, मेरे को लगा यार कोई मैक्सिको नहीं या फिर कोई ब्राजीलियन बंदा है यार ये कैसे जानता है, कह रहे कि नहीं भाई मैं आपको जानता हूँ, तो भाई लास्ट ईयर आए थे काम कुम भाई अपना सेट चल रहा है जब भी अभी 2 साल का वर्क परमिट, 2 साल का हाँ स्टडीज के बाद वर्क परमिट मिला हुआ है, बट कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप भी देती है तो मेरा भी स्पॉन्सरशिप की बात हुई है, बट वो कहें प्रोबेशन की बात हम बात करेंगे, ओके डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, हाँ डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस और प्रोबेशन एक बार पूरा होने के बाद थोड़ा, थैंक यू अनमोल भाई ना मैं ऐसे ही है भाई ना अगर आप मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं पे है आए बहन में चांसेस, साथ में जर्नल वर्क परमिट उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जर्नल वर्क परमिट पे आपकी इनकम क्यों आती है भाई ना 32,000 इतनी होनी चाहिए तभी जर्नल तभी लगता है, तो यानी कि वीक का आपका बैठ जाता है भाई 550 के करीब लगा के चलो 550-600 कुछ भी हो सकता है मतलब इसके, हाँ यानी कि मिनिमम आपको 550 यूरो मिलते ही हैं वीक के, जिसमें आपके 2000 लगा के चलो भाई ना मंथ के बन जाते हैं यानी कि इंडिया के बन के भाई ये 2.5 लाख के करीब, 2 लाख के करीब उसमें से आप 1 लाख खर्च भी निकाल लो तो भाई 1 लाख आप बचा लेते हो इंडिया के, हाँ जनरल वर्क परमिट आपके लगता है भाई किसी भी दुकान पे शेफ का लग गया, किसी भी होटल में लग गया, रेस्टोरेंट में लग गया, कहीं भी एज अ शेफ हो गया, या फिर इसमें कैटेगरी होती है जैसे पार्टी शेफ हो गया, हेड शेफ हो गया, तो जर्नल ये सारी जर्नल कैटेगरीज में, सेकंड आ जाता है भाई ना अपना क्रिटिकल वर्क परमिट जो कि आ जाता है जो कि सिर्फ
स्किल्ड पर्सन्स के लिए, लाइक अकाउंटिंग फाइनेंस हो गया, डॉक्टर्स के लिए हो गया, जो कि स्किल्ड हो गया, मतलब आईटी फील्ड होगी सारी, मतलब की स्टार्टिंग होती है उसकी 40 अराउंड 40, अगर कोई फ्रेशर है उसकी हाँ भाई 35-40 के अराउंड स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी बंदे को एक्सपीरियंस है, जैसे इंडिया से किसी के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, स्किल्स है, कोडिंग आती है किसी को या फिर कुछ और जो भी आईटी में यूजफुल चीजें हैं, ठीक है, अगर वो आती है ना किसी को, तो भाई 40-50 जितना मर्जी पैकेज ले लो। फिर मैंने सुना अभी ना 1 लाख तक आपकी सैलरी चली जाती है इंडिया के, भाई 80 लाख एक साल में आप बना लेते हो, लेकिन उसमें से टैक्स भी काफी निकलता है, जितनी आपकी ज्यादा सैलरी होगी ना उस हिसाब से ही टैक्स कटेगा। फिर अब जो भी ना लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में, यानी कि जब मैं आया था आयरलैंड 2007 में आया था, उस टाइम यहाँ पे पे रेट जो होता था ना 7 यूरो 65 सेंट कुछ ऐसे होता था, तो मतलब कि एक घंटे का आपको मिलता भाई 7 यूरो 65 सेंट, और आपके एक्सपेंस भी भाई नियरली द सेम थे, 400 से 500 यूरो आपका भाई घर का रेंट हो जाता था, जो मेरी इनकम बनती थी भाई ना 1000 यूरो के करीब ही बनती थी आज से 15 साल पहले के करीब भाई ना, लेकिन उसमें भाई ना कैश इन हैंड भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो 500-400 यूरो और बना लेते वो सेविंग हो जाता था भाई आपका ना। तो मैंने जॉब करी थी भाई यहाँ पे पिज्जा शॉप में, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस ही लिया था और उसी फील्ड में ही मैं आगे करता रहा, एक्सपीरियंस लेता रहा, तो भाई आज अपना पिज्जा की दुकान अपना चल रही है, काम करने के लिए आ रहा हूँ भाई आयरलैंड में। दो तरह के स्टूडेंट आते हैं भाई, एक तो आते हैं भाई ना स्टडी करने के लिए प्रॉपर, वो उसी फील्ड में निकल जाते हैं जिसमें स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपके जिस फील्ड में आ, जैसे मैंने बोला कि सिक्योरिटी में आप आ जाए, तो सिक्योरिटी में ये है कि भी आपको परमानेंट ही आपको यही जॉब करनी पड़ती है, शेफ वगैरह अगर आप सोच के आ रहे हो या फिर आप सोचते हो किसी भी बेकरी पे या फिर ना, उसमें क्या आपको बेनिफिट हो जाता है, जैसे मैं एज ए शेफ जैसे काम करता था अपने पिज्जे में पहले वो 15 साल पहले, उसमें आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि कहीं ना कहीं भी आप अपनी दुकान खोल सकते हो, अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद कुछ आपका एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप अपना भी लिए कुछ कर सकते हो। 2 साल की दलित मास्टर्स, 1 साल की मास्टर्स, 2 साल का वर्क परमिट उसके बाद, उसके बाद मिल जाता है। तो स्टडी में और बैचलर्स में कर रहा है, कोई बैचलर्स में 3 साल की बैचलर्स होगी, फिर उसके बाद 1-2 साल का वर्क परमिट होगा। मास्टर्स में बंदा रहा ना तो मैं रिकमेंड करूंगा वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन करनी है उसकी फीस पे, 3 साल अगर आप बैचलर करते हो उसकी फीस भी पे करनी है, साथ में आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। मास्टर्स में अभी 1 साल ही करनी है अभी, उसके बाद आपको 2 साल का यहाँ पे, 1 साल में 3 महीने कॉलेज जाना, फिर समर वेकेशन, फिर 3 महीने कॉलेज जाना, फिर क्रिसमस विंटर वेकेशन। हाँ तो बट ये है कि भाई ना आ जाओ अगर बन रहा है ना, ज्यादा सोचने समझेंगे जरूरत नहीं है भाई। आयरलैंड भी अगर आप आना सोच रहे हो तो भी नॉट अ बैड कंट्री, इंग्लैंड या फिर कनाडा ऑस्ट्रेलिया आप सोच रहे हो वहाँ के बारे में, आप वहाँ के यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं उस कंट्री के बारे में वहाँ से आप देख सकते हो। जो मोस्टली लास्ट में मैं बोलूँगा जहाँ पे आपका रिश्तेदार यार दोस्त बंधु कोई भी रह रहे हैं ना उसके साथ आप बातचीत करके ना उसके पास जाने का प्लान करो, क्योंकि वो आपको हेल्प कर देता है। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, साथ में लाइक वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो भाई ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।